Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the time of supply, and we are going to discuss about two important concepts which are related to your time of supply part. And the new section which we are going to discuss today is section 66 and the reverse charge mechanism. So is video mein hum section 66 ko discuss karne wale hai jo काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिसका जो नोटिफिकेशन था एज पर द सेक्शन 66 ऑफ द 2017. तो ये सेक्शन 66 क्या है टाइम ऑफ सप्लाई में, वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो दो कॉन्सेप्ट्स को इस पूरे वीडियो में मैं रिवाइज करने वाला हूँ. तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर वीडियो बनाइए. सो दिस इज़ द वीडियो ऑन योर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द बेसिक्स रिलेटेड टू सेक्शन 66 एंड RCM. तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, सो दैट उनका भी जो रूल 66 है एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट है RCM, वो भी क्लियर हो जाए. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर वी स्टार्ट, दैट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 2. बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई विल बी रिलेटेड विथ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द सर्विसेज. तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल थोड़े से रूल्स पढ़ेंगे. टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द गुड्स के लिए अगर नॉर्मल चार्ज है, नॉर्मल पार्ट है, तो एज पर नोटिफिकेशन 66 जो 2017 GST एक्ट के बेसिस पे है, उसमें यह बोला गया है कि द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. इसका मतलब इसमें ये पॉइंट क्लियर किया गया है कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो इमटीरियल हो जाएगा ड्यू टू द नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ द ईयर 2017. मतलब गुड्स के केस में हमको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ पेमेंट को कंसिडर नहीं करना है एज पर द पॉइंट ऑफ दिस 66 सेक्शन. तो हमें क्या करना है, इन केस ऑफ दिस नॉर्मल चार्ज या नॉर्मल वैल्यू के बेस पे टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विल बी इमटीरियल, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड. तो दैट इज द फर्स्ट सेक्शन एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2. सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट इन केस ऑफ गुड्स. उसमें हमें लेना है द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स. तो इसमें हमको डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स लेने हैं, डेट ऑफ पेमेंट भी लेना है इसमें, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. ये सिर्फ रूल्स है सो दैट आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए. मैं इसके बारे में एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहे. तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. तो देर आर टू सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 12-2 एंड सेक्शन 12-3 इन केस ऑफ द गुड्स. इफ यू सी इन केस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला है चैनल पे, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं. सेक्शन 13-2, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द सर्विसेज. In that is the if invoice is issued within the time limit, that is if invoice is issued within 30 days or in some cases it is 45 days also, then the time of supply will be very easy, that is the time of supply will be date of invoice or date of payment whichever is earlier. So services ke case mein hume payment ko consider karna hai, but goods ke case mein as per the 66 notification, as per the 66 notification 2017, receipt of payment ya date of payment ko hume consider nahi karna hai. If invoice is issued not issued within the prescribed time limit, then इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम किया था. अगर आपने वो अभी तक चेक नहीं किया तो उसको आप देख लेना, एक बार ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट. देखो गुड्स के केस में गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है. द कॉलम नंबर 1 इज, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, रिमूवल ऑफ गुड्स. दिस इज द सेकेंड कॉलम, दैट इज कॉल्ड द इश्यू ऑफ इनवॉइस एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट. दिस इज द थर्ड कॉलम एंड दिस इज द फोर्थ कॉलम, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. दिस इज द फोर्थ कॉलम. तो पहले रूल क्या होता था, पहले रूल होता था कि हम सारे कॉलम्स को कंपेयर करते थे विच एवर इज अर्लियर. लेकिन जैसे ही सेक्शन 66 आया, 66 एज पर द नोटिफिकेशन 2017, उसमें ये बोला गया है कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शुड बी इग्नोर्ड,
ये हमें नहीं लेना है, दैट इज इमटीरियल। तो ये इमटीरियल बन गया है और इसको हमको कंसिडर नहीं करना है। तो इसको अभी कैसे सॉल्व करें, देखो सबसे पहला कॉलम है हमारा रिमूवल ऑफ गुड्स का, मैंने दो वराइटीज के पॉइंट इसमें कवर किए हैं, आप ध्यान से चेक करना। सेकेंड इज इश्यू ऑफ इनवॉइस, थर्ड इज एक्सेप्टेड बाय रिसिपिएंट, फोर्थ कॉलम इज रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और इसमें अप्रूवल में हमें 6 मंथ्स के बेसिस पे भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, मतलब ये जो रिमूवल का डेट है इससे आगे 6 मंथ्स यहाँ कंसिडर किए जाएंगे, एंड द लास्ट इज टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो फर्स्ट वराइटी हमने क्या लिया है, फर्स्ट वराइटी में आपको सबसे पहले चेक करना है आपका रिमूवल ऑफ द गुड्स का कॉलम, दैट इज 1 December 2019। देन हमारा इश्यू ऑफ इनवॉइस का कॉलम है 15 December 2019। तो सबसे पहले हमें ये कॉलम देखना है 15 December 2019 का, एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट कब किया है, एक्सेप्ट किया है 5 December 2019। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ये कॉलम तो हमें लेना ही नहीं है, इग्नोर करना है, दिस कॉलम शुड बी इग्नोर्ड एज पर नोटिफिकेशन 66/2017 के बेस पे। तो ये कॉलम हमें कंसिडर नहीं करना है, सभी कॉलम्स में मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ। सो अभी सबसे पहले हमको देखना है इनवॉइस, मतलब बिल, इनवॉइस का डेट है 15 December 2019, एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट है 5 December 2019। तो ये पॉइंट, ये अगर दोनों कॉलम्स को हम देखें, इश्यू ऑफ इनवॉइस को दैट इज 15 December एंड एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट इज 5 December, तो 5 December को रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट कर दिया और इनवॉइस जो है वो आफ्टर बना, इनवॉइस जो है वो आफ्टर बना, किसके आफ्टर, एक्सेप्टेड के, एक्सेप्टेंस के बाद में, दैट इज इनवॉइस इज इश्यूड आफ्टर द एक्सेप्टेंस। जब भी आपका इनवॉइस एक्सेप्टेंस के बाद बनेगा तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई सिंपल होगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये याद रखना है आपको। जैसे हमने किसी को गुड्स बेचे और सामने वाला जो रेसिपिएंट था, रेसिपिएंट ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रेसिपिएंट ने कब एक्सेप्ट कर लिया, 5 December को। तो 5 December को रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन हमने इनवॉइस जो इशू किया था 5 December के बाद इशू किया, मतलब रेसिपिएंट ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद हमने इनवॉइस को इशू किया, ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई बनता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इट शुड बी वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट दैट वेन एवर वी आर इशूइंग द इनवॉइस आफ्टर द गुड्स आर एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट, देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो इसीलिए देखो आप टाइम ऑफ सप्लाई में 5 December 2019 आया बिकॉज दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सेकेंड लेवल में जाते डेट ऑफ रिमूवल देखते हैं, अभी 1 December 2019, इश्यू ऑफ इनवॉइस देखते हैं 25 July 2020। देखो इनके बीच में का गैप, ये अगला लेवल है, अब ये सेकेंड पार्ट है, ये तो हमारा क्या था सेम मंथ में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए हमने ये दो डेट्स को कंपेयर कर लिया। 1 December 2019, 25 July 2020, 25 February 2020। तो आप देखो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे रिमूवल ऑफ द गुड्स का, तो ये जो हमारा इनवॉइस बना है, इनवॉइस हमारा 6 मंथ्स के बाद बना है, 6 मंथ्स आफ्टर, तो दैट इज द सेकेंड पार्ट। तो मैंने दोनों लेवल ट्राई किया है क्लियर करने का। तो 1 December से लेके आप अगर काउंट करोगे तो 25 जुलाई है, मतलब 6 मंथ्स आफ्टर बना है। जब भी 6 मंथ्स आफ्टर बनेगा तब आपको क्या करना है, 6 मंथ्स का एक कॉलम बनाना है, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो आपका डेट ऑफ रिमूवल देखो, डेट ऑफ रिमूवल क्या है हमारा, 1 December, तो आपको काउंट करना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून तक काउंट करना है, 1 December से लेके 1 June तक 6 मंथ्स होते हैं। तो अगला डेट आपको लेना है दैट इज 2 June 2020, दैट इज 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। दिस आई हैव कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉलम नंबर फर्स्ट, दैट इज दिस 1 December 2019 से आगे हम 6 मंथ्स गए, तो 6 मंथ्स आगे हमने देखा तो हमारा डेट आता था 1 June, तो हमने यहाँ पे अगला दिन लिखा 2 June 2020। तो ऐसे केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, एंड दैट इज कॉल्ड 2 June 2020। तो ये आपको देखना है, कॉलम देख के डिसाइड होगा। देखो अभी ये थर्ड वाला एग्जांपल, 1 December 2019 एंड 28
28 जुलाई, तो ये भी 6 मंथ्स का ही गैप है। इस केस में भी वैसा ही करना है, 1 दिसंबर से लेके आगे 6 मंथ्स आपको जाना है। तो आगे 6 मंथ्स गए तो हमने कॉलम बना के रखा है, दैट इज दी कॉलम 2 जून 2020, ये 6 मंथ्स आफ्टर का डेट है। तो अगेन टाइम ऑफ सप्लाई आपका बनेगा 2 जून 2020। तो दिस इज दी वराइटी व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो अगर गुड्स ऑन सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस आपके क्वेश्चन में आता है तो दिस कैन बी द लेवल। ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर दैट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शुड बी इग्नोर्ड एज पर द नोटिफिकेशन 66/2017, उसके बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज RCM। इट्स वेरी इजी, तो थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हैं। देखो RCM के लिए आपको सिंपल चीज़ है, RCM के लिए आपको तीन पॉइंट्स को कंपेयर करना है, दैट इज नंबर 1 डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, नंबर 2 डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एंड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो इन तीनों को आपको कंपेयर करना है और इन तीनों में से जो भी अर्लियर आएगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। सो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स लेना है, सेकेंड पॉइंट विल बी कंसिडरिंग एज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एंड थर्ड इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो लेट अस चेक द क्वेश्चन। तो दिस इज द क्वेश्चन, वी हैव 3 कॉलम्स इन द क्वेश्चन। नंबर 1 इज डेट ऑफ इनवॉइस, नंबर 2 इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, एंड नंबर 3 इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो इसको सोल्यूशन के साथ ही देखेंगे। सो आई हैव प्रिपेयर्ड द 3 कॉलम्स सिमिलर विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर 1 इज डेट ऑफ इनवॉइस, नंबर 2 इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, नंबर 3 इज डेट ऑफ पेमेंट। देन 2 मोर एक्स्ट्रा कॉलम वी हैव टू प्रिपेयर, एंड दैट इज नंबर 1 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो ये आपका जो इनवॉइस का कॉलम है इसके आगे आपको 30 डेज देखना है, 30 डेज फ्रॉम इनवॉइस। तो आपका 30 डेज इससे आगे जाएगा 20 दिसंबर 2019। तो 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी होता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक दिन कम लिखना है, दैट इज 30 डेज। तो 19 जनवरी 2020, फिर 14 फरवरी 2020, तो यहाँ पे आएगा 14 फेब से लेके 14 मार्च, तो 13 मार्च 2020। पहले ये कॉलम भर लेंगे, उसके बाद फिर कंपैरिजन विल बी वेरी इजी फॉर अस। 24 अगस्त 2020, तो यहाँ पे आएगा 24 अगस्त से 24 सितंबर, तो 23 सितंबर 2020। देन 6 मई 2020, देन दैट विल बी 6 जून, तो दैट विल बी 5 जून 2020। एक दिन कम करके रखना है, दैट इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। देन आफ्टर दैट मैंने इसको मार्किंग कर लिया सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इस कॉलम को मैंने ए मार्क किया है, इसको बी मार्क किया है, इसको सी मार्क किया है। अब हमें क्या करना है, ए कॉमा बी सी, इन तीनों में से जो भी डेट आपका अर्लियर आएगा दैट विल बी कंसिडर एज टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी देन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स, एंड 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ये 3 कॉलम जो है हमारे, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, इन तीनों कॉलम को आप कंपेयर करो, इसमें से जो अर्लियर डेट आएगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। लेट अस स्टार्ट 16/11, 29/11, and 19/1। तो ये 19/19/20 है, 20 तो गया ही, तो इसमें से आपका आंसर बनेगा 16/11। सो वेरी इजी वी हैव टू सॉल्व, एंड दैट इज वी हैव टू कंपेयर ए बी एंड सी एंड टेक विच एवर इज अर्लियर। दैट विल बी द कंसेप्ट फॉर RCM कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो मैंने सारे पॉइंट्स के लिए करके दिया है, 15 फेब 14 फेब 13 मार्च, तो यहाँ पे आएगा 14 फेब, 28 15 फेब्रुवरी 29 23 9, तो यहाँ पे आएगा 15 फेब्रुवरी। नेक्स्ट इज 25 8 38 5 जून, तो यहाँ पे आएगा 5 जून। तो दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू योर टाइम ऑफ सप्लाई पार्ट एज कंसर्न। 1 वी हैव सॉल्व गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, एंड द 2nd वी हैव सॉल्व दी RCM बेसिस। तो वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट रिलेटेड टू दिस पॉइंट इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके कमेंट्स के बेसिस पे आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। और टेलीग्राम ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे अभी तक देख लिया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।